नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के विक्रू गांव में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसमें बिल्लौर के CO समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। SO बिठूर समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक हमलावर बदमाशों ने पुलिस टीम पर AK-47 से गोलियां बरसाई थी। दिल दहला देने वाली इस घटना पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक HC अवस्थी ने कहा कि हमलावर बदमाशों की तलाश में STF को लगाया गया है। STF के IG भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज था। पुलिस इसी सिलसिले में उसे पकड़ने गई थी। बदमाशों ने मार्ग पर JCB रख दी थी, जिससे मार्ग बाधित हो गया था। पुलिस टीम के वहां रुकते ही ऊंचाई से उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस मुठभेड़ के बाद यूपी का पुलिस महकमा सकते में है। एनकाउंटर में बड़ी संख्या में पुलिस वालों के शहीद हो जाने के बाद CM योगी ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में 6 घंटे के अंदर एक और मुठभेड़ कानपुर देहात में हुई। इसमें पुलिस ने फरार 2 बदमाशों को मार गिराया। वहीं 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे, उन्हें भी गोली लगी है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से पुलिस से लूटे हथियार बरामद किए हैं। वहीं 3 जवान भी घायल हो गए हैं। बता दें कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के विक्रू जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंप्लेंट प्रारंभ कर दिए हैं। और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं। और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं। और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।